भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच होली पर भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर जंग शुरू हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि जहां सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया है, तो वहीं पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म पवन पुत्र भी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया है। और दोनों ही फिल्म बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जी हां, को बता दें कि जहां दोनों ही फिल्मों को लगभग बराबर का ही सेंटर मिला है, यानी कि दोनों ही फिल्मों में सेंटर पाने में बराबर ही रहा है और दोनों ही फिल्मों को भोजपुरी दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जहां मेहंदी लगा के रखना 3 में खेसारी लाल यादव के साथ नई अभिनेत्री सहर अफ्सा नजर आ रही है, तो वहीं पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म पवन पुत्र में भी पवन सिंह के साथ पहली बार प्रियंका रेवाड़ी इस फिल्म में नजर आ रही है। और मेहंदी लगा के रखना 3 में जहां खेसारी लाल यादव के साथ एक बार फिर से भोजपुरी की यूट्यूब की आम्रपाली दुबे आइटम सॉन्ग करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं पवन पुत्र में पवन सिंह के साथ भोजपुरी की हॉट अदाकारा काजल राधवानी फिल्म में आइटम तड़का करते हुए नजर आ रही है और दोनों ही फिल्में भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पांस दे रही है। ऐसे में खेसारी लाल यादव के फैंस चाह रहे हैं कि पवन पुत्र कहीं ना कहीं बिजनेस डाउन हो, तो कहीं पवन पुत्र यानी कि पवन सिंह के फैंस चाह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव की फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 कम बिजनेस करेगी। ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा अटकलें लग रही है और सभी एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं। अब ऐसे में हमें कमेंट करके आप ये बताएं कि आपने मेहंदी लगा के रखना 3 फिल्म देखी या फिर पवन सिंह की पवन पुत्र देखी, तो हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे आपको बता दें कि दोनों ही फिल्मों ने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर खासी जगह बना लिया है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको दोनों फिल्मों में से सबसे ज्यादा अच्छी फिल्म कौन सी लगी। भोजपुरी गॉसिप से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।